चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं योगर्ट चना चाट। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखें। योगर्ट चना चाट बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, दही मसाला, प्याज, हरे धनिया की पत्तियां, टमाटर, हरी मिर्च, चाट मसाला, नमक, देगी मिर्च, काबुली चने उबले हुए, सेव, काला नमक, दही और मीठी चटनी। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी योगर्ट चना चाट। योगर्ट चना चाट बनाने के लिए हमने ये योगर्ट यानी कि दही हमने एक कटोरी भर कर ली है। इसे हमने फेंट लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च हमने डाल दी है। अब हम सबसे पहले ये चने लेंगे। चने हमने काबुली चने लिए हैं, रात को भिगो करके हमने इसको सुबह उबाल लिए हैं और ये देखिए ऐसे ही गल गए हैं। इसको हम एक बोल में डालेंगे। एक पूरा जो है बड़ी कटोरी हमने भरकर चने की ली है। इसमें हमने डालना है उबला हुआ एक कटा आलू बारीक बारीक कटा हुआ, आधा टमाटर, इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियां, दही मसाला, इसमें हम डालेंगे अपना थोड़ा दही, और इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा दही अभी हमने डालना है, सिर्फ एक बड़ा चम्मच। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, तकरीबन 1/3 स्पून से थोड़ा सा कम, और चुटकी भर देगी मिर्च, चाट मसाला चुटकी भर, काला नमक डालेंगे 1/3 स्पून से थोड़ा कम, और इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपनी थोड़ी सी मीठी चटनी। ये सौंठ हमने बनाई है, इसकी रेसिपी हमारे इस चैनल में है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दही इसमें हम और डालेंगे यानी कि योगर्ट, बाकी का बचा हुआ सारा दही हमने डाल देना है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। दही मसाला डालेंगे हम इसके ऊपर, थोड़ी सी लाल देगी मिर्च भी डालेंगे, थोड़ा सा मीठी चटनी इसमें और डालेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अपना सेव, हरा धनिया। चना चाट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे गार्निश करने के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा दही इसमें और डाल सकते हैं। थोड़ी मीठी चटनी भी हम इसमें और डालेंगे थोड़ी सी। ये चाट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।